हे गाइस, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल द गेमिंग कमेंट। होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज देखते हैं कि स्पिनर ऑफ फेट से गाइस कौन सा सरप्राइज मैच निकल के आता है, जिसमें गाइस हमारे इस चैनल के 6 सब्सक्राइबर्स गाइस आपस में कम्पीट करने वाले हैं, और वो भी गाइस हमारे इस चैनल के ऑफिशियल चैंपियनशिप द गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप के लिए। तो चले गए बिना किसी तरह के स्पिनर ऑफ फेट को घुमाते हैं और देखते गए कि वो सरप्राइज मैच कौन सा होगा। तो 3, 2, 1। ओके गाइस, तो स्पिनर ऑफ फेट हमने स्पिन कर दिया, तो कौन सा मैच निकल के आएगा? आई थिंक नॉर्मल मैच विद एलिमिनेशंस ऑन। ओके गाइस, तो सरप्राइज मैच निकल के आ चुका, और ये मैच बनाया गाइस नॉर्मल मैच, इसमें एलिमिनेशंस ऑन रहेंगे, पिन सबमिशन बहुत ही मैच बनने वाला है। ओके गाइस, तो सरप्राइज मैच निकल के आ चुका, तो मैं मिलता हूँ सबको सीधा मैच के अंदर। और ये मैच गाइस काफी एक्साइटिंग जगह है, क्योंकि गाइस देखते हैं कि आज हमारे इस चैनल का द गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गाइस कौन बनने वाला है। तो फाइनली गाइस मैच हो चुका है शुरू, द गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन। और ये मैच गाइस काफी एक्साइटिंग जगह, क्योंकि गाइस जो बना इस बार नॉर्मल मैच, और इसमें पिन सबमिशन बहुत ऑन रहेंगे, और जो पिन है ना वो रिंग के गाइज अंदर ही होने वाला है। तो कोई भी ऐसा नहीं कोई भी पिन कर देगा, तो ऐसे वाली कंडीशन गाइज इसमें नहीं है। और देखते हैं कि इन सभी सुपरस्टार में से कौन आज द गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट गाइज चैंपियन बनेगा। और मैं खुद गाइज थ्री टाइम द गेमिंग ऑफ चैंपियन बन चुका, तो अगर मैं भी गाइज आज इस मैच में तो गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनता हूँ, तो गाइज मैं बन जाऊँगा 4 टाइम द गेमिंग ऑफ चैंपियन। और वैसे ऑल द बेस्ट हमारे सभी सुपरस्टार, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को। देखते हैं कि फाइनली किसका सपना आज पूरा होता है, गेमिंग क्लब का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा। वैसे तो इस मैच का टाइटल है ना वो डस्टी रोज का टाइटल है, तो डस्टी रोज हमारे सब्सक्राइबर मोहित का प्लेयर है, और करंटली वही हमारे इस चैनल के गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी है। तो इस मैच में वो अपना टाइटल भी डिफेंड कर रहे हैं, बट गाइज क्या वो आज चैंपियन इस मैच में अपना टाइटल डिफेंस कर पाएंगे, या फिर गाइज आज किसी और का ही सपना पूरा होगा कि गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा। तो ये मैच गाइज काफी एक्साइटिंग जाने वाला, और डस्टी रोड्स वेट कर रहे हैं कौन रिंग के अंदर आए, और डस्टी रोड्स के साथ कम्पीट करे, और जॉनसन वक्त वक्त जा रहे हैं, लेकिन सैमी ज़ेन ने उनको पकड़ के खतरा बहुत दे दिया है। और जो हमारे गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है वो वेट कर करके थक गए, तो रिंग के अंदर आया नहीं, और वो खुद ही चल के बाहर रिंग से, और रैंडी ऑर्टन को पीटने लग गए हैं। और रैंडी ऑर्टन इनविजिबल गैंग से बिलोंग करते हैं, हमारे जो फैक्शन है। और रैंडी ऑर्टन वैसे भी 6 टाइम तक गेमिंग कप चैंपियन रह चुके हैं हमारे चैनल को, और उनका 7 टाइम तक गेमिंग कप चैंपियन बनने का सपना जारी है। अभी तक वैसे वो बन नहीं पाए, बट कोशिश पूरी कर रही है इनविजिबल गैंग गेमिंग कप चैंपियन बनने की, और खासकर 7 टाइम तक गेमिंग कप चैंपियन बनने की। और जैसे कोडी रोड्स हमारे किंग ऑफ द रिंग अभी तक का प्लेयर, जिनको है जिस मैच में डायरेक्ट एंट्री मिली, क्योंकि कोडी रोड्स हमारे इस चैनल के किंग ऑफ द रिंग है। तो इस कारण गाइज कोडी रोड्स को छोड़ करके गाइज बाकी सभी को इस मैच में गाइज क्वालिफाई करके आना पड़ता है, और कोडी रोड्स के लिए गाइज मैच में उनको डायरेक्ट एंट्री दी गई थी उनकी जो किंग ऑफ द रिंग है। बट इसके अलावा अगर जब आप इस मैच के प्लेयर्स देख रहे हो ना, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स गाइज, उन सभी ने हमारे स्क्रीन पर किया है क्वालिफाई, और आज गाइज आप जो मैच देख रहे हो ना, तो वो स्क्रीन पर क्वालिफाई करके भी बंदे क्वालिफाई हुए हैं गाइज। आज जो इस मैच में आप देख पा रहे हो, और गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन, और देखते हैं कि फाइनल कौन बनेगा आज के इस मैच में चैंपियन। और इसमें एलिमिनेशन ऑन है, और काफ़ी एक्साइटिंग गाइज मैच आएगा। ट्रिपल एस का खतरनाक रनिंग भी बहुत बड़े ट्रिपल, बहुत बड़े ट्रिपल, बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे हो रनिंग नी, और अभी तक किसी एक का भी एलिमिनेशन हुआ नहीं। तो देखते हैं कि सबसे पहले एलिमिनेशन किसका होता है। और गैस अगर आपको ये मैच पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जरूर करना लाइक, और गैस आगे भी वीडियो को शेयर करें। और अगर आप गैस हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो चैनल को जरूर गैस कर दें करो सब्सक्राइब, और उसको गैस कर दो गैस सब्सक्राइब बटन को दबा दें करो गैस, प्रेस कर दें करो बेल आइकन, एकदम फ्री में गैस सब्सक्राइब हो जाए, कुछ पैसे लगते हैं गैस, तो प्लीज़ गैस सपोर्ट किए करो चैनल को, प्रेस करो बेल आइकन, ताकि अगर किसी भी गेम की वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाओ। और इधर से हो रहा है पेन डस्टी रोड्स ने कर दिया, तो बहुत बड़े डस्टी रोड्स अपना गाय की मैच है, तो भाई इसकी जल्दी से उनकी मारोगे 5 मिनट आती है, क्योंकि डस्टी रोड्स को इस मैच अपना करना है कैसे रुपये, और वो एक फिनिशर को निहारने वाले, और डस्टी रोड्स ने रिकॉर्ड कर दिया है, और मैच में भी डस्टी रोड्स का जो टाइटल है वो लगा हुआ है। और जैसे से पेन हो रहा है जॉन सिना का, क्या वो हारेंगे नहीं खेलेंगे जॉन सिना, जिसकी जल्दी हारेंगे। और रोहित गमल का जो प्लेयर है जॉन सिना, और खतरनाक रिवर्सल गाइस सैमी ज़ेन, क्या बात है, सैमी ज़ेन ने अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। और ट्रिपल एच वर्सेस कोडी रोड्स, कोडी सेफ एक्शन से रॉलिंस रेवोल्यूशन को टीम मेंबर्स ट्रिपल एच एंड कोडी रोड्स, और खतरनाक गाइस मैच आएगा सैमी ज़ेन का, खतरनाक थंडर बॉम्ब पिन हो रहा है, जॉन सिना का पिन होगा, कहीं नहीं
बच गए जॉन सीना, दो बार बच गए हैं। और अगर अब सैमी ज़ेन अपना फिनिशर मारेगा तो हो सकता है कि शायद जॉन सीना का एलिमिनेशन सबसे पहले हो जाए इस मैच में। और ट्रिपल एच मारने जा रहे थे पैरी भी, लेकिन पैरी भी रिवर्स कर दिया सैमी ज़ेन ने भी। सैमी ज़ेन भी काफी सही परफॉर्म कर रहा है और सैमी ज़ेन हमारे सब्सक्राइबर लेस देन सिटी का प्लेयर देख के हमारे चैनल पर भी नहीं आया है सब्सक्राइबर। और ट्रिपल नॉक फिनिशर भाई सैमी ज़ेन का, ट्रिपल एच हारना नहीं है भाई, हारना नहीं ट्रिपल एच नहीं हारना, बहुत अच्छे रिकवर कर रहे ट्रिपल एच ने, इतनी जल्दी नहीं हारेंगे भाई हम भी, हमको भी यूनिवर्स का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना है और हमने भी फोर कैम का यूनिवर्स चैंपियन बनना। अंडर रिंग के कोडी रोड्स एंड क्रॉस रोड्स में जा रहा है रैंडी ऑर्टन को, खतरनाक क्रॉस रोड्स रैंडी ऑर्टन को और पेन हो रहा भाई रिजनल गैम रैंडी ऑर्टन का, लेकिन रैंडी ऑर्टन भी इसमें टिकआउट, क्या बात है, सभी टिकआउट किए जा रहे हैं, कोई भी इस मैच में इजिली हार नहीं चाहता, सभी एक के बाद एक टिकआउट किए जा रहे हैं क्योंकि सभी को गाइस इस मैच में चैंपियन बनना है और गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतनी है। और इसी इरादे से गाइस सभी इस मैच में आगे उतरे हैं और लेकिन गाइस चैंपियन तो एक ही बन पाएगा, सपना गाइस सभी का ही है लेकिन पूरा तो गाइस किसी एक का ही हो पाएगा। और वो देखते हैं कि वो कौन होगा वो चैंपियन जो कि आज इस गेम के जरिए में गाइस हमारे इस चैनल का द गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा। देखते हैं वो कौन होगा सुपरस्टार जो कि इस मैच में द गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाला। और आर को ने कर दिया स्ट्राइक और पेन हो रहा है, कोडी रोड्स की बात करें भी रिकॉर्ड, यस सभी नेक टू नेक खतरनाक तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, कोई भी इस मैच में गाइस हार नहीं चाहता क्योंकि सभी को पता है कि गेमिंग ऑफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप कौन बनाएगा। और डिजास्टर के और रिंग के अंदर भी दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। और नाइस पंच बाय कोडी रोड्स के बाद तो विन लगता है कि कोडी रोड्स प्रोवाइड विद एलिमिनेशन रन और जिस हिसाब से उनको बीत रहे हैं। और बाहर तो रिंग काफी स्पीड मैच चल रहा है, कैंडल स्टिक ब्रेक के ऊपर ही सैमी ज़ेन पिट रहे हैं और उधर से डस्टी रोड्स मोमेंटम अपनी तरफ रख रहे हैं और खतरनाक बेन बस्टर बाय कोडी रोड्स। और फिर से लगता है कि सैमी ज़ेन ने अपना से मारा है डस्टी रोड्स को, लगता है कोडी रोड्स लगाने जा रहा है, क्रॉस ऑफ स्ट्राइक नहीं कर पाएगा नहीं अपने। और रैंडी ऑटन कर देंगे स्ट्राइक आरक्यू से, क्रॉस रोड्स तो नहीं कनेक्ट हुआ लेकिन वाइपर जूट ना हो चुके हैं, वाइपर जूट स्ट्राइक कर चुके हैं लेकिन किंग ऑफ थ्री कोडी रोड्स अभी वो भी कैसे हार जाएंगे, वो भी रिकॉर्ड कर गए गाइस रैंडी ऑटन के वाइपर आरक्यू स्ट्राइक करने के बाद रिकॉर्ड फिर से कर दिया कोडी रोड्स ने। और रिंग के अंदर जॉन्स ने जा चुका है तो ट्रिपल कट मैच होगा रिंग के अंदर और डस्टी रोड्स कर रहे हैं कमेंट में, हमको क्लियर लगता है कि डस्टी रोड्स टेबल ब्रेक करना चाहते हैं। और इधर से चलाकी से पिन करवा दिया रैंडी ऑटन ने भाई, रैंडी ऑटन ने चलाकी से पिन करवा दिया किंग ऑफ द रिंग कोडी रोड्स पर। कोडी रोड्स हो चुके हैं फर्स्ट एलिमिनेशन इस मैच में, गाइस हो चुका कोडी रोड्स इस मैच से आउट और किंग ऑफ द रिंग का गेमिंग हब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का सफर भी खत्म होगा। और एलिमिनेट करवा दिया गाइस रैंडी ऑटन ने चलाकी से पिन करके, वो भी काफ़ी चला कर रैंडी ऑटन। और देखते हैं क्या ये रैंडी ऑटन इस मैच में जीत पाएंगे या फिर कितना देर तक रैंडी ऑटन इस मैच में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि मैच बहुत ही स्टिंग जा रहा है, सभी सुपरस्टार गाइस सभी सब्सक्राइबर्स हमारे काफ़ी खतरनाक अपडेट करें, कोई भी हार में गाइस जा रही है। और रिंग के अंदर चैंप डस्टी रोड और जॉन सीना, और अगर डस्टी रोड इस मैच में टिक रहे तो डस्टी रोड गाइस इस मैच में टाइटल रिटेन भी कर सकते हैं। और वैसे शुरू से कनेक्ट हो चुका जॉन सीना को पेन हो रहा है, वैसे क्या हो पाएगा, यस जॉन सीना इस मैच से आउट। तो दो हमारे सब्सक्राइबर्स गाइस इस मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं, रोहित गेमर्स और आदित्य, और दोनों के ही प्लेयर्स गाइस मैच से आउट हो चुके हैं और बचे सिर्फ और सिर्फ चार प्लेयर्स। अब इन्हीं चार में से गाइस तीन तो चैलेंजर्स हैं और एक चैंपियन हो रहा है इस मैच में। और डस्टी रोड्स अभी तक इस मैच में टिके हुए हैं, टॉप फोर प्लेयर्स में से एक डस्टी रोड्स बन चुके हैं, बस कोई डस्टी रोड्स को एलिमिनेट कर देना फिर तो पक्का पता है कि कोई ना कोई नया ही चैंपियन बनेगा। लेकिन जब तक डस्टी रोड्स इस मैच में टिके रहेंगे ना तो डस्टी रोड्स किसी को भी गाइस टाइटल जीतने देंगे, और हो भी सकता है कि डस्टी रोड्स गाइस इस मैच में टाइटल रिटेन भी कर दे। तो गाइस डस्टी रोड्स भी काफ़ी ओपी प्लेयर है, हमारे स्लीपर काफ़ी खतरनाक परफॉर्म कर रहे हैं डस्टी रोड्स। अरे कोई तो रिंग के अंदर चलो रैंडी ऑटन, तो रिंग के अंदर वेट कर रहे हैं, कोई रिंग के अंदर है और ट्रिपल एच आ चुके रैंडी ऑटन स्ट्राइक कर देंगे, लेकिन तुरंत ही खतरनाक आर के वाइपर का
और स्ट्राइक कर चुके रैंडी ऑर्टन वाइपर ट्रिपल एच को पिन हो रहा है और ट्रिपल एच चिकआउट कर गया और इधर से बयानी कैलबो डस्टी रोस्ट और सैनी जेन क्या एलिमिनेशन उसका सैनी जेन का और वाइपर तो भाई ट्रिपल एच के ऊपर स्ट्राइक कर गए थे और अच्छा हुआ कि ट्रिपल एच चिकआउट कर गया उधर से डस्टी रोस्ट उठा लिया रैंडी ऑर्टन को खतरनाक स्कूप स्लैम चैंपियन द्वारा और रैंडी ऑर्टन भी क्या पिन हो पाएगा रैंडी ऑर्टन का पिन हो रहा है और डस्टी रोस्ट कर रहा है पिन एक दो एंड थ्री रैंडी ऑर्टन डीसी के साथ आउट और डस्टी रोड्स ट्रिपल थ्रेट में मतलब टॉप थ्री प्लेयर में से डस्टी रोड्स अरे इसी का तो डर था भाई डस्टी रोड्स टॉप थ्री में पहुंच चुका भाई इसी का तो डर था डस्टी रोड्स अभी तक टिका हुआ यार डस्टी रोड्स जब तक इस मैच में है ना इनको हराना काफ़ी मुश्किल होगा बस डस्टी रोड्स मैच से आउट हो जाए फिर तो सही है और बयानी कैलबो फ्रंट हो चुका है ट्रिपल एच सैमी जेन को बचा लिया अरे जिन का काम कर दिया ट्रिपल एच ने सैमी जेन को क्यों बचा लिया सैमी जेन आउट होते तो मैच कम से कम वन ऑन वन मैच बन जाता भाई डस्टी रोड्स के साथ और चांसेस मतलब बढ़ जाते वन ऑन वन मैच 50-50 चांसेस बनते और अब तो सैमी जेन को बचा लिया ट्रिपल एच का भाई ट्रिपल एच क्या गेम चल रही है तुम्हारे दिमाग में क्यों बचा लिया सैमी जेन को भाई और ट्रिपल एच लगाने जा रहे हैं पैरिंग कनेक्ट हो पाएगी यस कनेक्ट हो चुकी है बस सैमी जेन बिग बताइए पिन करने दो चैंपियन का पिन कर ट्रिपल एच पिन कर सैमी जेन क्या कर दिया यार पिन तो करने देता सैमी जेन पिन कर दे बहुत अच्छे कम से कम तू तो पिन कर और पिन हो रहा है डस्टी रोड्स का पैरिंग लग चुका है और डस्टी रोड्स आउट गाइस डस्टी रोड्स हैज बीन एलिमिनेटेड मतलब अब हम दोनों में से गाइस कोई एक चैंपियन बनने वाला है या तो गाइस मैं चैंपियन बनूंगा या फिर सैमी जेन बनेगा चैंपियन जो कि हमारे यहाँ पर पहली बार आए हैं ब्लू थंडर को भी ये बॉम्ब है लग चुका है और रिंग के बाहर अगर तो कोई बात नहीं अभी ये पिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि रिंग के अंदर ही पिन सबमिशन माना जाएगा और सैमी जेन ने अपना फिनिशर लगा दिया बट ट्रिपल एच रिंग के बाहर तो सेफ पोजिशन है बस अब ट्रिपल एच को ना सैमी जेन को ही हराना पड़ेगा बाकी सभी को इस मैच से आउट हो चुके हैं अगर सैमी जेन को ट्रिपल एच हरा देना भाई मैं बन जाऊँगा 4-time द गेमिंग हब चैंपियन और इसी के साथ गाइस मैं 2-time द गेमिंग हब अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रह चुका हूँ और अगर आज के इस मैच को जीत जाते गाइस मैं बन जाऊँगा द गेमिंग हब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और वो भी गाइस 2 बार मैंने ये टाइटल पहले भी एक बार जीत रखा पेपरव्यू में और अगर मैं आज इस गेम प्ले वीडियो में जीतता हूँ ना तो मैं गाइस 2-time द गेमिंग हब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा तो मेरे को गाइस ये मैच किसी भी हालत में जीतना है बस सैमी जेन किसी तरीके से आउट हो जाए इस मैच से और ट्रिपल एच मैच जीत जाएंगे चाहे फिर वो सबमिशन से सैमी जेन को एलिमिनेट कर दे या फिर पैरिग्री मार दे बस फिनिशर या सिग्नेचर मार दे और सैमी जेन को एलिमिनेट कर दें ताकि ट्रिपल एच और मैं बन पाऊँ गाइस द गेमिंग हब का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रिंग के अंदर भेज दिया ट्रिपल एच तुम भी रिंग के अंदर आ जाओ और सैमी जेन ही बस अब रहते हैं और सैमी जेन जैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे और इस मैच में फिर हम बन सकते हैं चैंपियन और जैसे सैमी जेन ने डाइविंग मूव लगा दिया तो रिंग के अंदर जाते तो ट्रिपल एच हो सकता कि ट्रिपल एच मैच को फिनिश भी कर देते बट सैमी जेन को रिंग के बाहर ही मैच खेलना है और ट्रिपल एच ने फिर से पकड़ लिया सैमी जेन को और सैमी जेन को खतरनाक मूव रुकने जा रहा है और खतरनाक हैमर लॉक बैक सुप्लेक्स बाय ट्रिपल एच द किंग और सैमी जेन भी काफ़ी थक चुके हैं ट्रिपल एच भी काफ़ी थक चुके हैं दोनों का काफ़ी थक चुके इस मैच में लास्ट तक थके गए 6 प्लेयर्स इस मैच में 6 सब्सक्राइबर्स थे हमारे 6 सुपरस्टार्स थे गए इस मैच में और 6 में से टॉप 2 प्लेयर्स रह गए और सैमी जेन का खतरनाक फिनिशर ट्रिपल एच को क्या सैमी जेन जीत पाएंगे और रिंग के अंदर भेजना चाहते हैं लेकिन मुझे स्टील स्टेप बचा रहा है भाई क्या बात है स्टील स्टेप ट्रिपल एच को बचा रहा है भाई आज तो मतलब किस्मत भी ट्रिपल एच का साथ दे रही है सैमी जेन ना पिन करने के लिए ट्रिपल एच को रिंग के अंदर भेज रहे थे बट स्टील स्टेप जो है बीच में आ रहा था ट्रिपल एच रिंग के अंदर गई नहीं और ये मैच ट्रिपल एच जीत सकते हैं अगर ये सैमी जेन को रिंग के अंदर ले जाएं और ट्रिपल एच रिंग के अंदर आ चुके हैं बस सैमी जेन तुम भी आ जाओ और ट्रिपल एच सैमी जेन पर आ चुके हैं तो फटाफट से मैच को जीतने ट्रिपल एच कुछ भी करो स्पाइन बस पे मारो ट्रिपल एच पहले भी मारो मेरे को पता बस ये मैच हमको जीतना है रॉलिंस चैंपियनशिप के पक्ष में ये टाइटल आना चाहिए और पिन हो रहा है सैमी जेन का पिन हो रहा है क्या ये फ्री पिन होगा 3 ट्रिपल एच इज द न्यू गेमिंग हब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गाइस यस और सैमी जेन इतना थक चुके थे इतना पिट चुके थे कि गाइस सैमी जेन का वैसे ही पिन करवा दिया ट्रिपल एच ने द गेम इज योर न्यू गेमिंग हब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन यस गाइस सीजन 2 तो मेरे लिए कमाल का जा रहा है गाइस और मैं गाइस फाइनली बन चुका हूँ 4-time द गेमिंग हब चैंपियन
और इन चार में से गाइस मैं दो बार द गेमिंग का अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन आ चुका हूँ और दो बार बन चुका हूँ गाइस द गेमिंग का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ट्रिपल एच एंड टू ऑल माय फैक्शन मेंबर्स रॉलिंस रेवोल्यूशन, वी आर द गेमिंग का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो फाइनली गाइस आज के इस गेम प्ले वीडियो में इतने ही, होप कि गाइस आपने इस मैच को एंजॉय किया होगा और ऐसे गाइस और भी गेम प्ले वीडियोस एंजॉय करने के लिए आप गाइस मेरे लेफ्ट और राइट में आने वाले गेम प्ले वीडियोस को भी गाइस चेकआउट कर सकते हो, या फिर गाइस अगर आपको गेम प्ले सीरीज देखना चाहते हो गाइस आपको अपने स्क्रीन के नीचे प्लेलिस्ट गाइस मिल जाएगा, तो गाइस आप वहां से उस गेम प्ले सीरीज का भी गाइस मजा उठा सकते हो। गाइस मैं मतलब आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड चाइन।